अभी व्हील चेयर के ऊपर बुलबुल को लेके जाते हैं, थोड़ा चलने में ठीक रहेगा, मतलब चलना नहीं पड़ेगा फिर उतना। रुको मैं और हेल्प करता हूँ। वेट 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 वेट, आई एम कमिंग। रुको भाई, आ रहा हूँ। चलो 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 चलो। अरे हाथ को हटाओ ना वहां से। उल्टा क्यों पकड़ेगा? पूछ पूछ उधर इधर देखो, पीछे मजा है तुम्हारा। चलो ठीक है, ये डिस्टेंस कवर हो गया, तो अभी क्या है कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, चलने में फिरने में ज्यादा कुछ मत करो, खाली आराम से जाओ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहां पे मैं गई थी बेबी से मिलने के लिए पूरे एक दिन बाद, क्योंकि NICU में है मेरी बेबी और वहां पे अलाउड नहीं होता है किसी को भी जाना, केवल मम्मा डैडी ही जा सकते हैं। सो वर्मा जी तो जाते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, बट मेरा बहुत मन हो रहा था बेबी को देखने का, उससे मिलने का। सो मैं भी गई थी व्हील चेयर में बैठ करके, क्योंकि चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो रात में मैं गई थी उससे मिलने के लिए, पूरा दिन नहीं जा पाई थी, तो अभी मैं रात में गई हूँ मम्मी पापा के जाने के बाद उससे मिलने। तो बेबी से मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा मतलब दर्द जो है वो थोड़ा कम सा हो जाता है ना बच्चे को देखने के बाद। और यहाँ पे अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है, मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो आ गया था, ये थी सूजी की खीर और साथ में इडली थी, चटनी थी एंड फ्रूट्स, एक बनाना था जो कि मुझे खाना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आज डे टू है और सुबह मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का रिकॉर्ड किया था। आज इडली आया था, इडली सांभर, और अभी यहाँ पे सूप आया है। सूप भी एकदम अदरक भी आते हैं भाई यहाँ पे ना। मुझे सुबह ये भी मिला था बनाना, बट मैंने अभी खाया नहीं। किस चीज़ का है ये सूप आज? कल तो कुछ पालक, क्या पालक का था ना? वेजिटेबल सूप है। वेजिटेबल सूप है, मॉनचाउ टाइप्स दिख रहा है। मॉनचाउ सूप है, इसको मॉनचाउ समझ करके पी लो तब तो ये अच्छा लगेगा। कैसा है? काफी अच्छा है, मनचाऊ ही है। मनचाऊ है ना? तो मेरे खाने से पहले भोग लगा करके मेरे को वर्मा जी दे देते हैं टेस्ट करके कि कैसा है। देखो मैं उसमें सिर्फ सॉल्ट ऐड करने के लिए, कि सॉल्ट ऐड करना है या नहीं वो देख के करता हूँ, थोड़ा सॉल्ट की जरूरत है। और कल रात में गई थी बेबी को देखने के लिए, तो वो अभी भी NICU में ही है। आइए आइए। हेलो पीयू, हेलो नमस्ते। ऐसे ट्रायंगल बना के यूं कर देते हैं, बस यहाँ से नीचे ऊपर देते हैं, देखो ये नीचे को ऐसे क्यूब। तो पीहू आ गई है मेरे से मिलने के लिए और बेबी से मिलने के लिए, बट उसको बिल्कुल मिलने को ही नहीं मिल रहा है, वो NICU में है और यहाँ पे वो अपनी दादू से रिवीजन कर रही है पढ़ाई का, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी ना, तो वो यहाँ पे अपनी जो बुक्स है वो ले आई है। अच्छा आ गई चाय, तुमने पढ़ लिया? And 12 edges. Edges की spelling? बहुत ही मीठी दलिया कल आई थी। दलिया है क्या वो? मुझे लगा हलवा है। नहीं ये दलिया, ठीक है। आती हूँ मैं, ठीक है बेटू, आप इधर ही मेरा वेट करो। तो हम जा रहे हैं बेबी से मिलने, देखते हैं। तो
तो मैं अंदर गई, बेबी से मिली और थोड़ी देर मैं उसके पास बैठी थी। अभी उसको फीड कराना भी अलाउड नहीं है। सो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग वापस आ रहे हैं और अंदर रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। मम्मी पापा के जाने का भी टाइम हो रहा है, कल पीहू का स्कूल है। सो पीहू भी वापस जा रही है। हाँ देखो भाई, लोग मिलने आए हमसे। हेलो, और इधर देखो बैठी है केत की। हाय। तो अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में वी आर वेटिंग फॉर लिटिल प्रिंसेस टू सी, बट अभी तक किसी को देखने को नहीं मिला ना। आज मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी देखने। अच्छा, आज ही था फर्स्ट टाइम। लिया मैंने फर्स्ट टाइम गोद में। हाँ, अभी का थोड़ी देर पहले का। हम लोग बुके ऑफ फ्रूट्स लेके आए थे, पर नीचे वो वॉचमैन ने बोला कि अलाउड ही नहीं है। ओह, व्हाट्सएप कर देते हैं, फोटो व्हाट्सएप लेके व्हाट्सएप कर दे, निशान को कार में दे दे, और उसकी कार में क्योंकि जाएगा ना, पहुंचवा देंगे। हां, फ्लावर्स वगैरह रखते तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, निशान को बोलेंगे लेट नाइट लाके रख दो यहां पे। हां, जब कोई नहीं होगा। हां, ऐसे कुछ। बाय बाय। तो यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो मिलने आए थे, तो मैंने रिकॉर्ड किया था। एंड इसके पहले भी एक फ्रेंड आए थे, पर मेरी बिल्कुल कंडीशन ही नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड कर सकी, और मैं भूल भी गई रिकॉर्डिंग करना। बाय 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 बाय, मिलते हैं फिर। ओके बाय। बाय बाय बाय। वेलकम बैक गाइज। अभी 11 बज रहे हैं, 11:15, और आज मैं गई थी पहली बार, बेबी को गोद में लिया मैंने फर्स्ट टाइम। ये तो डेली ले, मतलब नहीं, इन्होंने भी फर्स्ट डे लिया था वर्मा जी ने, और मैंने आज फर्स्ट टाइम लिया है गोद में। तो वहाँ तो अंदर बिल्कुल भी वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है। मैंने सोचा आपको बता देते हैं, आज कुछ लोग आए भी थे मिलने के लिए। पीहू आई थी, फिर वो चली गई थी। हाँ, एक फैमिली आई थी, उनका वीडियो बना नहीं पाई मैं, भूल गई। एक्चुअली दर्द था, तो उस चक्कर में मैं व्लॉग ही नहीं कर पाई। और अभी तक खाना वगैरह सब खा के, दूध मिला था, दूध थोड़ा सा पी के मैं अब लेटूंगी। मिल के आई हूँ अभी फिर से, शाम को गई थी उसको गोद में लेके बैठी थी, और अभी सिर्फ ऐसे ही मिलने गई थी, वो तो सो रही थी बेबी। तो मैंने सोचा अभी आप लोग को बताती हूँ, ब्लॉग करती हूँ। छोटी छोटी मेमोरीज हैं जो मैं कलेक्ट कर रही हूँ, और फिर आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसे। तो ये मेरी मेमोरी जो है हमेशा के लिए सेव हो जाएगी। चलो अभी सोते हैं, कल का दिन जो है कल स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कल क्या होता है। ओके बाय, गुड नाइट। कबूतर देखिए किस तरीके से धूप ताप रहे हैं यहाँ पे ना। कल बहुत बारिश थी, और उसके बाद में धूप लेते हुए, धूप का आनंद लेते हुए कबूतर धूप निकली हुई है बाहर। साफ मौसम है, काफी अच्छा मौसम है। तो यहाँ पे श्वेता जी का नाश्ता आ गया है। गुड मॉर्निंग, उठ जाओ भाई। मैं तो उठी हूँ। ठीक है, नाश्ता करो। क्या आया है आज नाश्ते में? आज है, मेन्यू दिखाते हैं आपको। ये तो चाय है, और ब्रेकफास्ट का मेन्यू है टी, राजमोती पोहा, शुगर ओट्स पॉरेज, लाइम, स्वीट लाइम, एंड ये है 452 कैलोरीज का। तो ये है प्लेट, खोलेंगे तो ये सब है। अभी करेंगे ओपन। ठीक है, ओपन करके दिखा देना आप।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं तैयार हूँ और बेबी को देख के आता हूँ पहले मैं। अच्छा, ऑफिस पास में ही, तो थोड़ा ऑफिस देख के आता हूँ, 1 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छी, कैसा है बेबी, क्या कर रही है, देख के आइए फिर बताइए। क्या सिचुएशन है? सी यू। आ गए? दो बजे से सो रही है। उससे मैंने थोड़ी थोड़ी बातें करने की कोशिश की, मुझे वो और नींद में थोड़ा बीच बीच में ऐसे ऐसे कर दिया। अभी क्या है, ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का जो फील्ड है वो कम कर दिया उन्होंने, वो चीज ओके विद दैट। और आज शाम तक मोस्ट लाइकली उसको निकाल देना चाहिए। अच्छा, आज शाम को, नहीं तो कल सुबह को डिस्चार्ज होना चाहिए उसको, वहाँ से उसका। अच्छा अच्छा, चलिए अब आप रेडी हो जाओ, ठीक है, फिर जल्दी आफ्टरनून में आ जाओ। तो यहाँ पे वर्मा जी ऑफिस जा रहे हैं, उनका ऑफिस पास में ही है, उनकी कोई छुट्टी नहीं मिलती है आफ्टर डिलीवरी, सो उनको जाना है क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट काम था। एंड अभी थोड़ी देर में मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो आ जाएंगी, तो यहाँ पे बेड क्लीन करने वाले जो हैं सिस्टर्स आती रहती हैं थोड़ी थोड़ी देर में। नर्स लोग बहुत अच्छी हैं, मेरी हेल्प के लिए भी वो आती रहती हैं, अगर मुझे कुछ ज़रूरत है तो बस एक बेल बजाओ और सिस्टर्स नर्स जो हैं वो आ जाती हैं। सो यहाँ पे डेली मेरा बीपी एंड क्या बोलते हैं फीवर वगैरह चेक होता रहता है। तो तैयार होकर के फिर मुझे सिस्टर जो है NICU लेके गई थी। आज मुझे बेबी को फीड भी कराना था, तो 3 दिन के बाद मैंने अपने बच्चे को अच्छे से गोद में लेकर के फीड कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अपने बच्चे को इस तरह से देख करके ना, मेरी जब मैंने पहली बार देखा था तो मेरे आँखों में आंसू आ गए थे और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। और फिर यहाँ पे मैं आ गई थी वापस, तो ये आयरन का एक ड्रिप चढ़ना था, वही यहाँ पे सिस्टर जो हैं वो लगा रही थी, और ब्लड लॉस की वजह से ये ज़रूरी होता है। तो डॉक्टर ने बोला, तो वर्मा जी ने बोला हाँ तुम ये लगवा लो, मतलब चढ़वा लो। सो वही यहाँ पे अभी आधा घंटा चढ़ेगा। एंड मम्मी आ गई थी, वो भी लेटी हुई थी यहाँ पे क्योंकि कुछ काम तो था नहीं, बैठे ही थे हम लोग, बहुत देर बातें करे उसके बाद फिर ये लेट गई थी। गुड आफ्टरनून। कैसी है गुड़िया? बढ़िया। चलो मैं देख के आता हूँ उसको, हाथ वहाँ धो के फिर जाना। तो वर्मा जी ऑफिस से आ गए हैं, हाफ डे ही आ गए थे वो, 1 बजे के करीब, और फिर उसके बाद वो चले गए थे तुरंत, बोले कि मैं जा रहा हूँ बेबी को देखने के लिए। उनका भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, बच्चा NICU में है तो दिल कैसे लगेगा। तो ऑफिस से आते ही अब ये जा रहे हैं उसके पास, मतलब 15-20 मिनट रहते हैं वहाँ पर, उससे बातें करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं कि सिस्टर्स क्या कर रही हैं, क्या वो क्या कर रही है इस तरह से। तो बस चलिए, इसके आगे जो भी नेक्स्ट व्लॉग है वो कल आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये व्लॉग यहीं पे फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ कल। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।